नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड के अध्ययन में, जो कि एक्यूप्रेशर चिकित्सा हो, चाहे फिजियोथेरेपी हो, चाहे कपिंग थेरेपी हो यानी अल्टरनेटिव थेरेपी में भी, और एलोपैथी हो चाहे आयुर्वेदा हो, इस लंबर वर्टिब्रा के अध्ययन को हम समझेंगे, क्योंकि लंबर वर्टिब्रा के पेशेंट खास करके एक्यूप्रेशर और फिजियोथेरेपी वाले के पास बहुत आते हैं। तो इस तरह से आप इस डिस्क को देख पा रहे हो, स्पाइनल कॉर्ड जो कि लोअर स्पाइन का हिस्सा है, ये नॉर्मल डिस्क जो है सबसे ऊपर है, जो येलो कलर का है वह वर्टिब्राज है, और जो वाइट कलर जो बीच में गद्दी नुमा है वह डिस्क कहलाता है। डिस्क का हिंदी में मतलब होता है चक्कर, और यहाँ पर लिक्विड पदार्थ से बने ये डिस्क इस स्पाइनल कॉर्ड को, वर्टिब्राज को मूवमेंट कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह मूवमेंट करवाता है तो इसके बीच जो नर्व होती हैं वह सुरक्षित रहती हैं और कोई दबाव नहीं पड़ता। सबसे ऊपर नॉर्मल डिस्क है जो कि बिल्कुल प्लेन दिखाई दे रहा है वाइट कलर का। उसे नीचे डीजनरेटिव डिस्क है जो कि एक तरह से प्रेशर में आई हुई है दोनों वर्टिब्रा के बीच में और स्क्रैच हो रखा है। उससे नीचे बल्जिंग डिस्क है। बल्जिंग का मतलब होता है उबड़ खाबड़ होकर के बाहर निकल जाना, और एक छोटा सा हिस्सा इंट्रोवर्टिब्रल में बाहर निकला हुआ है आप देख पा रहे हैं। और इससे नीचे है हार्निएटेड डिस्क जो कि डिस्क एक तरह से टूट जाती है, फट जाती है और लिक्विड पदार्थ उसके अंदर से बहने लगता है। इससे नीचे थिनिंग डिस्क है जो कि थिनिंग का मतलब होता है अपक्षीय यानी कि रूट से भटक जाना, रूट टूट जाना, और इसमें डिस्क पूरी तरह से काफ़ी हद तक दबाव में है। इस तरह से हम डिस्क की और वर्टिब्रा की स्थिति को जान सकते हैं। इस दूसरे चित्र में हम देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ डिस्क प्रॉब्लम। सबसे ऊपर नॉर्मल डिस्क है जो कि बिल्कुल इक्वल लेवल में है। उससे नीचे डिजनरेटिव है जो कि डिस्क वर्टिब्रा के बीच में दबी हुई है और इस पर स्क्रैच हो रखा है। इससे नीचे बल्जिंग डिस्क है। बल्जिंग का मतलब होता है बाहर निकलना उबड़ खाबड़ होकर के। और इंट्रोवर्टिब्रल अंदरूनी हिस्से में आप देख पा रहे हैं एक चने के दाने के समान बाहर निकला हुआ है डिस्क, और यह बल्जिंग डिस्क कहलाता है। उससे नीचे हार्निएटेड डिस्क है जो कि अंदर से डिस्क फट गई है और लिक्विड पदार्थ उसमें बह करके बाहर निकल रहा है, यानी डिस्क फट करके बाहर निकल जाती है और उसमें से लिक्विड पदार्थ बहने लगता है, और अंत में जाकर के डेसिकेटेड डिस्क किसी किसी एमआरआई रिपोर्ट में लिखा होता है, उसका मतलब होता है सूख जाना, यानी कि उसमें डिस्क सूख जाती है। इस एमआरआई रिपोर्ट में देखें आप, ये एमआरआई की इमेज है मेरे पास। एमआरआई इमेज में आप देख पा रहे हैं जो वाइट कलर है सबसे ऊपर डिस्क का, जो वर्टिब्रा के बीच में, वह नॉर्मल डिस्क है। जो ब्लैक कलर का है नीचे डिजनरेटिव, उसमें जो ब्लैक कलर यानी डिस्क प्रेशर में आई हुई है, और इससे नीचे हार्निएटेड है। हार्निएटेड में आप देख पा रहे हैं कि डिस्क अंदर से ब्लैक कलर यानी बहाव हो रहा है इसमें, और डिस्क फटी हुई है, यह हार्निएटेड डिस्क कहलाती है। इस तरह से एमआरआई रिपोर्ट में एमआरआई की इमेज देख करके हम पहचान सकते हैं कि किस तरह से लोअर बैक की स्थिति क्या है, हार्निएटेड डिस्क क्या होता है, डिजनरेटिव क्या होता है, बल्जिंग क्या होता है। एमआरआई रिपोर्ट में जो वाइट कलर दिखाई दे रहा है वो है नॉर्मल डिस्क, और जो नीचे ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है लेकिन कहीं से कम या ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा। अब आप इसमें देखिए L3 और L5 यानी लंबर वर्टिब्रा 3 और 4, L3 और L4 के बीच में एक साइड में थोड़ा सा एक स्टार लगा हुआ है वाइट कलर का, यह बल्जिंग डिस्क कहलाता है, क्योंकि इसमें बहाव नहीं हो रहा, केवल डिस्क निकल करके बाहर आ गई। आप इसमें देखिए यह हार्निएटेड डिस्क कहलाता है। ये एमआरआई की इमेज है। L4 और L5 के बीच में डिस्क यानी ब्लैक कलर नीचे से बहाव हो रहा है, जो लाल कलर का तीर का निशान में है उसमें आप देख पा रहे हैं डिस्क फट करके बाहर निकल रही है। तो दोस्तों इस तरह से हम इसमें समझ सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।